बॉर्डर टू में जेपी दत्ता सनी देओल को ही क्यों लेना चाहते हैं? बॉर्डर टू का बजट करीब 450 करोड़ क्यों रखा गया है? पलटन के फ्लॉप होने के बाद बॉर्डर टू में क्या जेपी दत्ता सनी देओल के साथ सलमान खान को भी साइन करना चाहते हैं? बॉर्डर टू की कहानी क्या है? बॉर्डर टू में बॉलीवुड की किन किन हीरोइनों को कास्ट किया जा रहा है? बॉर्डर टू को 2.0 और बाहुबली के तर्ज पर बड़े स्तर पर VFX का काम करने के लिए हॉलीवुड से टेक्नीशियंस क्यों बुलाए जा रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोलीग्राज स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, फिल्मों में देशभक्ति की बात आए और जेपी दत्ता का नाम ना आए, ऐसा भला हो सकता है? पिछली फिल्म पलटन में जेपी दत्ता सनी देओल को नहीं ले पाए थे और बॉर्डर फिल्म में सलमान खान को कास्ट नहीं कर पाए थे, इसीलिए शायद जेपी दत्ता बॉर्डर के सीक्वल में अपनी हसरत पूरी करने के लिए सनी देओल और सलमान खान को एक साथ कास्ट करना चाहते हैं। अगर गुप्त सूत्रों की बात करें तो इस फिल्म को भव्य स्तर का बनाने के लिए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और सिंघम यानी कि अजय देवगन से भी बात चल रही है। अभी इस फिल्म को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन फिल्मी गलियारों में इसकी परिचर्चा बहुत समय से हो रही है। और दोस्तों, इस फिल्म के लिए धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित और कैटरीना कैफ के साथ जानवी कपूर से भी बातचीत की जा रही है, इसकी भी अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। दोस्तों, बॉर्डर 1997 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म ब्लॉकबस्टर युद्ध फिल्म है, जो कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है। दोस्तों, 90s की पॉपुलर फिल्म बॉर्डर को रिलीज हुए 20 साल पूरे हो चुके हैं। ये फिल्म 13 जून 1997 को रिलीज हुई थी। फिल्म के डायरेक्टर जेपी दत्ता ने फिल्म को लेकर कई सीक्रेट बातें शेयर की है। मसलन, फिल्म में अक्षय खा वाले रोल के लिए सबसे पहले सलमान खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने काम करने से मना कर दिया। जेपी दत्ता के मुताबिक जब सलमान खान फिल्म के लिए रेडी नहीं हुए तो इसके बाद अक्षय कुमार से बातचीत की गई। हालांकि उन्होंने भी काम करने से मना कर दिया तो फिर अजय देवगन से अप्रोच की गई, लेकिन अजय ने ये कहते हुए फिल्म में काम करने से मना कर दिया कि वो मल्टी स्टारर मूवी नहीं करना चाहते। फाइनली इस रोल के लिए अक्षय से बात हुई और वो काम करने के लिए तैयार हो गए। जेपी दत्ता के मुताबिक उन्हें बॉर्डर बनाने की इंस्पिरेशन उनके भाई से मिली, जो कि इंडियन आर्मी में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। दरअसल 1971 में हुए युद्ध के दौरान मेरे भाई दीपक दत्ता ने लीड किया था। 1971 में लौटकर घर आए तो उन्होंने लोंगेवाला की लड़ाई के बारे में बताया। इसके बाद जनवरी 1972 में मैंने उनके दिए गए इनपुट्स के आधार पर बॉर्डर की स्क्रिप्ट लिख डाली थी। बॉर्डर में विंग कमांडर NG बाजवा का रोल प्ले करने वाले जैकी श्रॉफ की ड्रेस दरअसल उनकी नहीं थी। जेपी दत्ता के मुताबिक फिल्म में जैकी ने उनके भाई दीपक दत्ता की ड्रेस पहनी थी। दरअसल जैकी श्रॉफ और दीपक की हाइट लगभग बराबर थी। ऐसे में मैंने उनसे पूछा, आपको मेरे भाई की ड्रेस पहनने में कोई एतराज तो नहीं? और वो तैयार हो गए। करीब 10 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने उस दौर में लगभग 39 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म की सक्सेस को देखते हुए डायरेक्टर जेपी दत्ता ने 2013 में बॉर्डर का सीक्वल बनाने की घोषणा भी की। हालांकि अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह पर बनी है बॉर्डर मूवी। 1971 में हुए भारत पाक के युद्ध में सेक्टर 33 चंडीगढ़ के रहने वाले ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने अहम भूमिका निभाई थी। बॉर्डर फिल्म इन्हीं पर बनी है। चांदपुरी ने अपने 90 सैनिकों के साथ पाकिस्तान के 2000 सैनिकों का डटकर मुकाबला किया और उन्हें खदेड़ दिया था। वहीं बॉर्डर में कॉस्ट्यूम डिजाइन बिंदिया गोस्वामी ने किया। दोस्तों, बॉर्डर फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइनर जेपी दत्ता की पत्नी बिंदिया गोस्वामी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जेपी की रिफ्यूजी जैसी फिल्मों में भी कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है। इस फिल्म की कहानी एक सत्य घटना से प्रेरित है। इस फिल्म में 1971 के भारत पाक युद्ध के समय लड़े गए लोंगेवाला का युद्ध को विस्तार से समझाया गया है। फिल्म की कहानी 1971 में हुए भारत पाकिस्तान की लड़ाई से प्रेरित है, जहां राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पर 120 भारतीय जवान सारी रात पाकिस्तान की टाक रेजिमेंट का सामना करते हैं। फिल्म 1971 के भारत पाक युद्ध के ऐलान से पहले के दृश्य से शुरू होती है, जहां मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को 120 जवानों के साथ लोंगेवाला पोस्ट पर भेजा जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेजर बाजवा को जैसलमेर में हवाई बेस बनाने का आदेश मिलता है। फिल्म आगे बढ़ते हुए जवानों के परिवारों की कहानी सुनाती है, जहां धर्मवीर की अंधी माँ है और उसकी शादी होने वाली है।
भैरव सिंह की सुहाग रात है। रतन सिंह के माता पिता उसकी राह देख रहे हैं। मथुरा दास की पत्नी बीमार है और उसे छुट्टी चाहिए और कुलदीप सिंह की पत्नी उसके तबादले के लिए जोर लगाती है। फिल्म अलग अलग जगह से आए जवानों के बीच बनते रिश्तों पर भी नजर डालती है। अंतराल से पहले सभी पात्रों के परिचय के बाद फिल्म युद्ध पर केंद्रित होती है, जिसे बेहतरीन तरीके से पेश किया गया है। फिल्म की पटकथा दर्शकों को बांधे रखती है और युद्ध के शुरू होने से पहले के संवाद दर्शकों में नई जान डाल देते हैं। फिल्म का संगीत बेहद प्रेरित करने वाला है और दर्शकों ने बेहद पसंद किया है। गाने एक फौजी के जीवन की दास्तान बयान करते हैं। हालांकि बीच में फिल्म में प्रेम कहानी को डालकर फिल्म को थोड़ा खींच दिया गया है, जिससे दर्शक ऊब से जाते हैं, पर शुरुआत और अंत दर्शकों को बांधे रखता है। फिल्म का अंत दुखद दृश्य पेश करता है और एक संदेश भेजने की कोशिश करता है। साल 1993 में आई सनी देओल, ऋषि कपूर और मीनाक्षी शेषाद्री की फिल्म दामिनी में सनी पाजी के कई डायलॉग्स थे जो हमेशा के लिए अमर जैसे हो गए हैं। उन्हीं डायलॉग्स में एक डायलॉग जब विलन का किरदार निभा रहे अभिनेता अमरीश पुरी दामिनी के केस के सिलसिले में धमकाने के उद्देश्य से सनी देओल से मिलने जाते हैं, तब सनी देओल उनकी धमकियों से डरने के बजाय उनसे कहते हैं, जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। 1997 में आई जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर में सनी देओल के ऐसे तो कई डायलॉग हैं जो फेमस है, लेकिन जब वो मथुरा दास जी की छुट्टी पर मथुरा दास जी के खुशी का गलत तरीके से इजहार करने पर सनी पाजी का डायलॉग काफी ज्यादा सराहा गया और यादगार डायलॉग की गिनती में शामिल है। सनी देओल की फिल्म दामिनी में कई फेमस डायलॉग्स में जो डायलॉग सबसे ज्यादा फेमस हुआ था वो था तारीख पर तारीख। इस डायलॉग पर तो कई जगह सवाल भी पूछे गए कि फिल्म के इस डायलॉग में सनी देओल ने कुल कितनी बार तारीख शब्द कहा है। अब अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो हमें जरूर बताएं। सनी पाजी के डायलॉग की आज की इस लिस्ट में अगला डायलॉग है फिल्म घातक से, और ये डायलॉग है, ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। जेपी दत्ता ने दोबारा बॉर्डर बनाने की कोशिश की लेकिन फेल हो गए। जेपी दत्ता के डायरेक्शन में बनी पलटन फाइनली रिलीज हो गई है। एक सत्य घटना पर आधारित इस फिल्म में अर्जुन रामपाल, जैकी श्रॉफ, सोनू सूद, हर्षवर्धन राणे, गुरमीत चौधरी लीड रोल में है। वॉर फिल्मों में एक्सपर्ट दत्ता इस बार भारतीय सेना द्वारा लड़ी वो लड़ाई दिखा रहे हैं जिसमें वह नाथुला पास को चीनियों से बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इस लड़ाई में भारत ने 1363 सैनिक खोए। फिल्म के पहले हिस्से में जैकी श्रॉफ, अर्जुन रामपाल, सोनू सूद, हर्षवर्धन राणे, गुरमीत चौधरी, लव सिन्हा, दीपिका कक्कड़ और मोनिका गिल के किरदारों से आपको मिलवाएगा। इस फिल्म में कई परतें हैं। इन परतों के जरिए आप फौजियों की पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगियों की झलक ले पाएंगे। इस फिल्म के जरिए जेपी दत्ता ने बॉर्डर को रिक्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन वो पूरी तरह भटक गए हैं। फिल्म में देशभक्ति दिखाने के चक्कर में इतना हो गया है कि ये फिल्म के लिए बैकफायर कर गया। फिल्म में कुछ सीन है जहां भारतीय और चीनी सैनिक एक दूसरे पर पत्थर मारते नजर आएंगे। आप भी देखकर सोचने लगेंगे कि क्या वाकई युद्ध क्षेत्र में ये सब होता है। आप शांति में जितना पसीना बहाएंगे वार में उतना कम खून बहेगा। हम यहाँ कहानियाँ बनाने के लिए हैं। इस तरह के डायलॉग फिल्म को कोई फायदा नहीं पहुँचाते। जिन्होंने बॉर्डर एलोजी देखी है उन्हें पलटन में कोई दम नहीं लगेगा। फिल्म का पहला हिस्सा टुकड़ों में बटा है। फिल्म में चीनी सेना के अधिकारियों का रोल करने वाले एक्टर्स की परफॉर्मेंस में वो बात नहीं। स्टोरी टेलिंग का अंदाज वही 1997 में आई बॉर्डर वाला है। 1997 में एक फिल्म बनी जो न सिर्फ ब्लॉकबस्टर थी बल्कि आज भी उसका एक एक सीन और दिल को छू लेने वाले गाने लोगों के जहन में ताजा है कि किस तरह एक जवान देशवासियों की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर डटा रहता, अपने परिवार से दूर रहकर वो कैसा महसूस करता है, उसके शहीद होने के बाद एक फैमिली पर क्या बीतती है, हर एक लम्हे को इस फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर बॉर्डर के बारे में बात क्यों हो रही है, तो आपको बता दे कि हाल ही में इस मूवी ने 20 साल पूरे किए और ऐसे में आज हम आपको फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपको पता हो। जेपी दत्ता यानी ज्योति प्रकाश दत्ता ने 31 सालों में सिर्फ 9 फिल्में डायरेक्ट की। भारतीय सिनेमा के इतिहास में बॉर्डर पहली फिल्म थी जिसने खुले तौर पर पाकिस्तान को शत्रु के तौर पर चिन्हित किया। ये फिल्म 1971 के भारत पाक युद्ध पर आधारित थी। दोस्तों वहीं देश के पीएम ने किया था सहयोग। जब दत्ता बॉर्डर बनाने जा रहे थे तब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे
दत्ता ने उन्हें अर्जी भेजकर शूटिंग के लिए मंजूरी और सेना के सहयोग की मांग की थी। नरसिम्हा राव ने वो अर्जी पढ़ी और उसके नीचे एक छोटा सा नोट लिखा, पूरा सहयोग दिया जाए, मामले को तत्काल निपटाए। कहा जाता है नरसिम्हा राव ने कहा था, ये फिल्म तो बननी ही चाहिए। दूसरा आता है दोस्तों की गाने जो आज भी दिल को छू गए हैं, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, या फिर जाते हुए लम्हो जरा ठहरो जरा ठहरो, मेरे दुश्मन मेरे भाई, ये गाने ऐसे हैं जिन्हें शायद ही कभी भुलाया जा सकता है। आज भी जब देश से जुड़ी चीजें टीवी पर दिखाई जाती हैं, तो इस फिल्म के गानों का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। बॉर्डर फिल्म के गानों को संगीत अनु मलिक ने दिया और जावेद अख्तर ने गीत लिखे थे। दोस्तों वहीं फिल्म ने की थी ताबड़तोड़ कमाई। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर बनी फिल्म करीब 10 करोड़ के बजट में बनी थी। ये मूवी दर्शकों को इतनी पसंद आई कि उस साल की ब्लॉकबस्टर बनी और उस दौर में भी फिल्म ने लगभग 39 करोड़ की कमाई की थी, जो भारतीय सिनेमा के लिए एक रिकॉर्ड बनाने जैसा था। दोस्तों वहीं दत्ता को जान से मारने की मिली धमकियां। जी हाँ, बॉर्डर फिल्म रिलीज होने के बाद दत्ता को पुलिस कमिश्नर ने फोन किया और कहा कि उन्हें जान का खतरा है, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए 2 हथियारबंद लोग भेजे गए जो 3-4 महीने तक और हर वक्त उनकी सुरक्षा में रहे। इस दौरान भी उन्हें धमकियां मिलती रही। धमकी देने वाले कहते थे कि उन्हें सबक सिखाएंगे। और दोस्तों वहीं अवार्ड्स की लग गई थी होड़। जेपी दत्ता को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला, वहीं जावेद अख्तर को नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट लिरिक्स के अवार्ड से नवाजा गया। एक्टर अक्षय खन्ना को भी बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड मिला था। इसे राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का नरगिस दत्त अवार्ड भी दिया गया था। दोस्तों इस शख्स को समर्पित थी बॉर्डर। बहुत कम लोग जानते हैं कि जेपी दत्ता के भाई का 1987 में MIG दुर्घटना में निधन हो गया था, जो कि भारतीय वायुसेना में पायलट थे। ये फिल्म उन्हें ही समर्पित थी। दत्ता ने फिल्म बनाने के दौरान अपने भाई की डायरी में लिखे अनुभवों का इस्तेमाल किया। दोस्तों वहीं अजय देवगन ने ठुकरा दिया था रोल। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में अजय देवगन को भी रोल ऑफर किया गया था। जी हाँ, जेपी ने अजय को लीड रोल ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। बताया जाता है कि अजय मल्टी स्टारर फिल्म नहीं करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने बाद में जेपी दत्ता की एक और फिल्म LOC में परमवीर चक्र से सम्मानित मनोज पांडे का रोल किया था। दोस्तों वही मूवी में हुई थी कुछ गलतियाँ। जी हाँ, ये फिल्म आपने कई बार देखी होगी, लेकिन इसमें एक छोटी सी गलती हुई थी। दरअसल फिल्म के क्लाइमेक्स में जब जैकी श्रॉफ फाइटर जेट लेकर दुश्मनों के टैंकर पर बमबारी करते हैं, उस वक्त जमीन पर सनी देओल ने मोर्चा संभाला हुआ था। इस दौरान जैकी श्रॉफ सनी को बधाई देते हुए अपना अंगूठा उठाते हैं। इसके जवाब में सनी देओल भी अपना अंगूठा उठाते हैं। अब भले 4000 फीट की ऊंचाई से कोई कैसे जमीन में बधाई दे सकते हैं, वो भी जैसे तैसे उन्हें टीवी में देख रहे हो। तो दोस्तों जब इस फिल्म में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अजय देवगन और सनी देओल जैसे सुपरस्टार्स इसमें एक साथ काम करेंगे, तो ये फिल्म 2000 करोड़ का बिजनेस तो आसानी से कर ही लेगी। तो दोस्तों अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जुड़े रहिए हमारे चैनल बोलीग्राड स्टूडियोज के साथ।